नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन और मैं हूं आपके साथ विजय विश्वकर्मा। रीवा दर्शन की इस खास पेशकश चुनावी बुलेटिन में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। विधानसभा चुनाव 2003 में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ कर उभर कर मध्य प्रदेश में सामने आई। उन्होंने लगातार 2008 में भी जीत दर्ज की और 2013 में भी काबिज हुए, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही अपनी ताकत झोंक रही हैं, वह दोनों ही पार्टियों के लिए मुश्किल की घड़ी साबित हो रहा है। विंध्य क्षेत्र में अमित शाह के लगातार दौरे हो रहे हैं। अमित शाह ने रीवा जिले में यह दूसरा दौरा कर यह साबित कर दिया कि विंध्य क्षेत्र की 30 सीटों पर फतह हासिल करने के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यहां दौरा हुआ था, अब अमित शाह का दौरा विंध्य क्षेत्र में एक नई दिशा तय करने वाला है। बात कर रहे हैं देव तलाव की, जहां पर आज अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित किया और यहां पर जिले की 8 विधानसभाओं के लिए मतदाताओं से वोट मांगे। एक के बाद एक 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने सफलता प्राप्त की है, उनका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और इसलिए जब आप इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई हैं, तो आइए यो बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने बहुत सघन, वो आपके बीच में आए हैं और अब यहाँ से सड़क से 2.5 घंटे की यात्रा करके मैहर जाएंगे, और इसलिए बगैर विलंब किए मैं सीधे उनको आमंत्रित करता हूँ कि वे आए। धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई थी, धर्म और अधर्म की लड़ाई में भगवान श्री कृष्ण क्षेत्र के सांसद माननीय जनार्दन मिश्र जी से आग्रह करूंगा कि आज की सभा का भाव सबसे माननीय जनार्दन मिश्र जी अमित शाह ने सबसे पहले कांग्रेस के गढ़ में धावा बोला और सीधी सिंगरौली समेत सतना के मैहर में भी उन्होंने आम सभाएं संबोधित की, साथ ही रोड शो किए। इस दौरान रीवा में उनकी देवतलाव में जो जनसभा हुई उस पर सीधा सा उन्होंने कांग्रेस पर वार करते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और मनमोहन सिंह सरकार के साथ ही कांग्रेस की पिछली सरकारों को दोषी करार दिया। साथ ही उन्होंने राजा महाराजाओं और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का दर्जा देते हुए कांग्रेस पार्टी को कुछ लोगों की पार्टी करार दिया। अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस पार्टी एक व्यक्ति विशेष की पार्टी है, वो एक परिवार से चलती है, उसमें अन्य लोगों को कोई जगह नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है, वह व्यक्ति और समाज से हटकर लोगों के लिए जनता के लिए सेवा करती है। ऐसी पार्टी को आप चुनिए और ऐसी पार्टी को ही मतदान करिए ताकि वो सत्ता पर काबिज होकर देश का विकास कर सके, प्रदेश का विकास कर सके और आपके जिले का भी विकास हो सके। 18% सूद लिया जाता था, कितना लिया जाता था और अब कितना लिया जाता है? 18 से कम कर 15, 14, 12, 11, 7, 4, 2 और अब 0% सूद से किसानों को लोन देने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। पहले 1300 करोड़ रुपए की लोन देते थे किसानों को, शिवराज सिंह जी ने 1300 करोड़ की लोन को बढ़ाकर 13000 करोड़ तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पहले सिर्फ गरीब बच्चों को इंजीनियर बनने के लिए 100 ही पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज थी, आज 300। पहले 5 मेडिकल कॉलेज थी, आज 18 है। गांव गांव में
प्राथमिक शाला माध्यमिक शाला पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार ने किया है। और पहले कांग्रेस के समय के अंदर बजट जो था 21,000 करोड़ था, आज 21,000 करोड़ के बजट को 1,85,000 करोड़ पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। और मित्रों मैं सिर्फ रीवा जिले की बात करूंगा, रीवा जिले के में भाजपा की सरकार आने के बाद 8,541 हेक्टर सिंचाई की भूमि पड़ी, मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड 5,00,000 किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिए हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2,000 किलोमीटर, सौभाग्य योजना से 4,956 गांवों तक बिजली पहुंचाई गई और 1,57,959 घरों में बिजली पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मित्रों रीवा जिले के अंदर 7,000 से ज्यादा माताओं बहनों को गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, 1,00,000 घर गरीबों को देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और 6,00,000 से ज्यादा शौचालय बनाकर माताओं बहनों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। भारत नेट के तहत 1,000 पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा और अमृत योजना के तहत शहरी विकास के भी काम करने की शुरुआत की। ये सारा विकास इसलिए हो रहा है कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों अभी ये कमलनाथ पूछ रहे थे कि भाई बताओ नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के लिए क्या किया। अरे कमलनाथ जी आपकी सरकार इस प्रदेश में 55 साल तक चली, पहले हिसाब को 55 साल में आपने क्या किया इसके बाद में हम हिसाब देंगे। मगर मित्रों मुझे कमलनाथ को जवाब देने की जरूरत नहीं है, मगर ये रीवा जिले की जो जनता है ये हमारी माई बाप है, हमारे मालिक है, उनको जवाब देने के लिए मैं आया हूँ। मित्रों कांग्रेस की सरकार थी 1,34,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश के लिए मिलता था और आज नरेंद्र मोदी सरकार ने 4,00,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश के विकास के लिए भेजने का काम किया। ये सारे विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और सबसे बड़ा काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है देश को सुरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री। कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, मोदी बाबा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, हर रोज पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस कर आते थे और यहां बम धमाके करते थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उरी में बम धमाका, उरी में हमला किया, लगभग 13 जवान जिंदा जला दिए गए। एक 10 ही दिन में नरेंद्र मोदी सरकार ने फैसला दिया कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। रात को 12 बजे सेना के रणमाकुरे घुसे पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करके सेना के जवानों के मृत्यु का बदला लेकर भारत माता की जय का जयकारा करते हुए वापस। और आज भारत पर आंख उठाकर देखने की किसी की हिम्मत नहीं, देश को सुरक्षित करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अमित शाह ने रीवा जिले की 8 विधानसभाओं को टारगेट करते हुए देवतालाब में सभा संबोधित की, साथ ही उन्होंने रीवा के प्रत्याशी राजेंद्र शुक्ल को भी मंच पर जगह दी। इसके अलावा मनगवा विधानसभा के प्रत्याशी पंचू लाल और देवतालाब के प्रत्याशी गिरीश गौतम वहां मौजूद रहे। धरती पर मुझे मालूम है कि आप बहुत लंबे समय से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के काफी समय से आप सब इंतजार कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि रीवा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, मनगवा के प्रत्याशी माननीय गिरीश गौतम जी, माननीय पंचूलाल जी, गजबाला
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। अब मैं प्रदेश के